एकता कपूर के शो नागिन 4 की स्टार कास्ट को लेकर चर्चा बनी हुई है। शो के लिए निया शर्मा का नाम फाइनल हो गया है। अब खबरें हैं कि टीवी की दुनिया में ओरिजिनल नागिन सैंथनी घोष को नागिन 4 ऑफर हुआ है। भाई बता दें कि सैंथनी को टीवी की ओरिजिनल नागिन कहा जाता है। नागिन 4 में उनके होने से शो की वैल्यू बढ़ जाएगी। शो में वो तीसरी नागिन का रोल निभाएंगी। उनका कैरेक्टर शो के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वो अभी डेट्स एडजस्ट कर रही हैं और वो इस शो का हिस्सा जरूर बनेंगी। बता दें कि सैंथनी घोष 2007 में आई शो नागिन में नजर आई थी। ये शो काफी पॉपुलर हुआ था। सैंथनी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। इस शो के बाद सैंथनी को टीवी इंडस्ट्री की ओरिजिनल नागिन भी कहा जाने लगा था। सैंथनी ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं, जैसे बता दे कि सैंथनी इतना करो ना मुझे प्यार, नामकरण, संतोषी माँ, महाभारत और रिश्तों का मेला जैसे शोज कर चुकी हैं। इन दिनों सैंथनी घोष संजीवनी 2 में नजर आ रही हैं। शो में वो डॉक्टर अंजलि के किरदार में हैं। वो डॉक्टर शशांक की बेटी बनी हैं। बता दें कि संजीवनी के दिसंबर में ऑफियर होने की खबरें थी। संजीवनी 2 इस साल अगस्त में शुरू हुआ था। शो में मोहनीश बहल, सुरभि चंदना, सैंथनी घोष, गुरदीप कोहली और नमित खन्ना लीड रोल में है। बता दें कि नागिन 4 में सैंथनी घोष की एंट्री होगी तो फैंस के लिए शो काफी इंटरेस्टिंग होगा। चल फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।